जिन लोगों के घरों में 1 HP का समरसेबल लगा हुआ है या 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, उन लोगों के लिए एक लास्ट वीडियो में मेरी, मैं 2.5 KVA की जो मेरा वीडियो रहा है उसमें हम लोगों ने एक बेसिक एक सॉल्यूशन दिया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, अब कम पैनल के साथ में आप कैसे अपने घर का पूरा लोड आप चला सकते हैं मात्र 2 बैटरी पे। तो वो वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वीडियो में ही ये कमेंट रहा है कि सर वो तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, अब दिक्कत ये है कि कुछ घरों में 1.5 HP का समरसेबल लगा हुआ है और 2 HP का भी समरसेबल लगा हुआ है और मोस्टली 1.5 टन का जो हैं वो AC हैं, तो उसके लिए आप पैक बताइए कोई। तो फ्रेंड्स आज इसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि आपके घर में अगर 1.5 टन का इन्वर्टर AC लगा हुआ है और आपके घर में 1.5 या 2 HP का सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, तो आप सोलर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप उसको कैसे चलाएं, आपका कितने रुपए का खर्चा आएगा और बेसिकली आप क्या क्या चीज़ उससे चला सकते हैं, कितना आपको बैकअप मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया पूरा वीडियो देखें। होता क्या है कि आप आधा वीडियो देख के आप स्किप कर देते हैं, बाद में कमेंट डालते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं बताइए, जबकि आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर उस वीडियो में पहले ही हम लोगों ने दिया होता है। फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSGS इंडिया, और मैं अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में यूट्यूब पे मुझे इतना पॉपुलर किया है। काफ़ी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल रही हैं और आप लोगों का इतना प्यार सम्मान मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। और अभी अपने सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे। अभी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को कृपया आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि नॉलेज है, नॉलेज जितने लोगों तक चली जाए उतना अच्छा होता है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाला हूँ जो मोस्ट कॉमनली आपके मेरे कमेंट्स पर रहते हैं और ज़्यादातर आपका व्हाट्सएप पे भी वही होता है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं। अब उसमें कॉमन क्वेश्चंस आपके क्या हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है कि सर बैकअप कितना मिलेगा, दूसरा आपका क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास में एग्जिस्टिंग कुछ पैनल लगे हुए हैं, क्या उनके साथ में मैं इनको जोड़ सकता हूँ नहीं जोड़ सकता हूँ, तीसरा आपका सवाल रहता है कि ये वाला पैनल चाहिए, ये वाला PCU चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, कितने रुपये में मिलेगा, चौथा मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो आप ये बताइए कि मैं कहाँ से लूँ। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब इस वीडियो में आपको सभी उन कॉमन क्वेश्चन के मैं आंसर देने वाला हूँ। आपको अपने घर पे इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है 1.5 टन का, 2 HP का आपको समर्सिबल पंप चलाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले जो आपका इन्वर्टर AC है उस इन्वर्टर AC का पावर कंजप्शन आप देखिए कैसे, अगर वो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर, अगर स्टिकर पे लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप उसका मॉडल नंबर डालिए गूगल पे, गूगल से जब आप मॉडल नंबर डाल देंगे तो बहुत सारी वेबसाइट पे और उसके जो कंपनी है, कंपनी ने उसकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, टेक्निकल उसका शीट दी होगी, तो आप उसमें देखिए कि उसका स्टार्ट लोड मैक्सिमम लोड कितना है। एक 5 स्टार 1.5 टन का जो मैक्सिमम लोड होता है वो करीब 2000 वाट होता है, कुछ मॉडल्स में 100-200 वाट प्लस माइनस भी हो सकता है, तो मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ। तो 2000 वाट आपका इन्वर्टर एयर कंडीशन हो गया। अब 2 HP के अगर हम लोग पंप की बात कर लें तो 2 HP के जो मोस्ट कॉमनली अच्छी कंपनीज के पंप हैं उनका जो मैक्सिमम लोड रहता है वो रहता है लगभग 2400-2500 वाट, इससे ऊपर जर्क लोड नहीं जाता है मोस्टली। आप यहीं पर ये सोचें कि भाई इन्वर्टर एयर कंडीशनर नहीं है मेरा, तो सर नॉर्मल एयर कंडीशनर है, तो उसका लोड हो सकता है कि 3000 वाट भी जाए या 3500 वाट जाए। सेम यही फार्मूला आपका जो वन आपका 2 HP का जो समर्सिबल पंप है उसमें भी अप्लाई हो सकता है, उसमें भी हो सकता है कि उसका स्टार्ट लोड जो है 2 HP का वो 2500 वाट या 3000 वाट के आसपास जाता हो। तो बस आपको सबसे पहले उसका कनेक्शन नोट करना है। अब कनेक्शन नोट करने पर अगर वो आपका कनेक्शन आता है कि वो कनेक्शन आपका आ रहा है लगभग लगभग 2400 वाट तक, तो आप किसी भी कंपनी का 3 KVA का आपको सोलर PCU लेना है। 3 KVA का जो PCU है वो जो इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है वो है 0.8 का, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 2400 वाट का वो लोड आपका चला सकता है। तो दैट्स मीन कि अगर आपका इन्वर्टर जो एयर कंडीशनर 1.5 टन का उस पर चल जाएगा,
अब इसमें एक सवाल आप लोगों का ये होगा कि क्या सर दो बैटरी का भी कोई इस तरह का मॉडल आता है जो चल जाए? बिल्कुल चल जाएगा, जैसे कि 3175 मॉडल आता है नेक्सस का कॉपर वाला, तो लगभग 2400 वाट का वो दो बैटरी पर ही लोड ले लेता है। अब उसके साथ में दिक्कत आपको जो आएगी वो ये आएगी कि किसी भी सिस्टम को आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर जब रन कराएंगे वो दो बैटरी पर, तो क्या है कि बैटरी खराब होने का चांस पूरा पूरा रहेगा। मतलब आप ये देखिए कि आप एक बैटरी से लगभग 1200 वाट का अगर उससे लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, बैटरी हीट हो जानी है। बैटरी का जो बैकअप स्टैंडर्ड बैकअप उसको देना चाहिए था लगभग 400 वाट के लोड पे, उसको स्टैंडर्ड बैकअप सपोज देना चाहिए था उसको 3 घंटे का, तो 1200 वाट पे वो 1 घंटा देना चाहिए, पर 1 घंटे की जगह 10 मिनट का बैकअप रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये दो बैटरी के सिस्टम पे मैक्सिमम आप 1400-1500 वाट तक का आप अगर लोड आपके घर में है मैक्सिमम तो आप चलाएं, उससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी और आपका जो पीसीयू है आपके पीसीयू को ख़राब होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। जैसे ही आप उस सिस्टम की कैपेसिटी का 100% 90% आप लोड रेगुलर आप उस पर चला रहे हैं तो क्या होगा कि पीसीयू भी फूकने के चांस हो जाएंगे आपके और बैटरी तो आपकी डैमेज होनी होनी है। अब उस कंडीशन में जब वारंटी के टाइम पे वो आप जाएंगे कहीं भी तो उसमें क्या होगा कि चलो जब वारंटी है 2 साल की, पीसीयू की वारंटी है 2 साल कंपनी ने कैसे भी दे दी आपको करके, उसके बाद में पीसीयू तो आपका है, नुकसान आपका होना है उसमें। तो फिर बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने सिस्टम को या तो अपग्रेड कर लें, अगर आपको 2200 वाट का कंटिन्यूस लोड चलाना है तो आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, उसको 4 बैटरी पर ले आएँ। तो 4 बैटरी पर क्या है कि 500-600 वाट एक बैटरी से ड्रेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी आपकी चलती रहेंगी। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आपका लोड 2000 वाट तक का आता है 2 HP पे, या आपके एयर कंडीशनर का लोड 2200-2400 वाट तक का भी है तो आप 3 kVA ले लें। अब अगर इसमें आपका लोड सपोज इससे ऊपर चला जाता है, आपका लोड चला जा रहा है इसके ऊपर कि 3000 वाट का या 3200 वाट का लोड आपका चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें कि 3 kVA के बजाय 5 kVA ले लें। देखिए 3 kVA और 5 kVA दोनों में सिर्फ फर्क पावर कैपेसिटी का है, बैटरी उस पर भी 4 ही लगेंगी आपकी 3 kVA पे और 5 kVA पे आपकी बैटरी 4 ही लगेंगी। तो बैटरी का तो आपका जो खर्चा है वो तो सेम ही रहना है, केवल पीसीयू है, और पीसीयू के लिए आपको खुद से अपना देखना है कि आपका जो सिस्टम आप जो चलाना चाहते हैं सोलर से उस सिस्टम का स्टार्ट लोड बेसिकली कितना है। तो अगर आप ये आप खुद से देख लेंगे तो आपको फिर मुझसे पूछने की या किसी से भी पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी कि ये वाला लोड आपका चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए जितने भी केवीए में सिस्टम होते हैं MPPT का, जितने भी केवीए के सिस्टम है, आप इनमें जैसे सपोज मैं बात करूं आपसे 2 kVA, तो 2 kVA का मतलब है कि पावर फैक्टर है, स्टैंडर्ड पावर फैक्टर जो है इंडिया के अंदर वो है 0.8 का। तो अगर अच्छी कंपनी का है तो अच्छी कंपनी 0.8 का ही पावर फैक्टर लेके चलती है। कुछ कंपनीज ने अपने कुछ वेरिएशंस बना दिए हैं, माना गोल्ड प्लैटिनम ऐसे करके, तो उसमें पावर फैक्टर का उन्होंने रखा है, किसी में 0.8 का रखा है, किसी में 0.6 का रखा है। तो आप वो पावर फैक्टर जो है वो पता कर लीजिए जो भी आप पीसीयू ले रहे हैं कि उसका पावर फैक्टर कितना है। तो अगर मैं 2 kVA का पीसीयू मैंने लिया और उसका पावर फैक्टर जो है 0.8 है, तो दैट मीन 1600 वाट का वो मेरा लोड चला सकता है। ऐसे ही 5 kVA है, पावर फैक्टर 0.8 का है, दैट मीन आप 4 kW का लोड उससे चला सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहली मेरा आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप किसी भी पीसीयू को लेते वक्त उसका पावर फैक्टर जरूर नोट कर लें। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर 0.8 होता है, मोस्टली कंपनियाँ 0.8 ही देती हैं। तो उससे आप ये देख लेंगे जो भी आप पीसीयू ले रहे हैं आपको समझ आ जाएगा कि इतने वाट का लोड आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको किसी से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा अभी इसमें क्या रहेगा कि आप पैनल कौन सा लगाएं और कैसे लगाएं। देखिए पैनल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है कि अभी आप जब पैनल लेने जाते हैं तो वहां पे आप वाट में बात करते हैं, बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है। एक बंदा कह रहा है कि 3 kW का आप सिस्टम लगा लीजिए जी, आपका सिस्टम चल जाएगा, आपको नाइट में बैकअप चाहिए। अब 3 kW का आपने सिस्टम लगा लिया, आपने सपोज पोली के साथ में सिस्टम लगाया, 3 kW के पैनल लगाए, तो जो जनरेशन होगा आपका वो 12 यूनिट का होगा एक एवरेज पूरे दिन में 3 kW का, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही अपनी वीडियोज में बताया है कि पोली पैनल का जो मैक्सिमम जनरेशन होता है ईयरली वाइज अगर आप निकालें तो 4 यूनिट का होता है। अब 4 यूनिट का जो आपका जनरेशन हो रहा है, 1 kW 4 यूनिट का जनरेशन कर, 3 kVA आपने 3 kW आपने सोलर पैनल लगा लिया, तो टोटल जनरेशन हुआ आपका 12 यूनिट का। अब 12 यूनिट में आपका मान 4 बैटरी लगनी है नीचे, तो 4 बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए लगभग 4 से 5 यूनिट 6 यूनिट आपकी बैटरी में चली गई, आपके पास बचती है 6 यूनिट। तो अब आपको बैकअप कितना मिलेगा जो आपका अक्सर सवाल रहता है, मेरे वीडियोस के कमेंट्स में भी आप लोग सवाल डालते हैं, ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं कि सर इसका बैकअप कितना मिलेगा, नाइट में कितना चलेगा, वो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं आपने के पावर बैंक कितना लगाया हुआ है, आपका पैनल कितना लगा हुआ है, पोल
सोली पैनल आपने लगाया हुआ है तो उसका 4 यूनिट 1 किलोवाट में होता है, मोनो लगाया हुआ है 4.25 यूनिट होता है, मोनो पर्क आपने लगाया हुआ है लगभग 5 यूनिट होता है, और बाइफेशियल आपने मोनो पर्क बाइफेशियल आपने लगाया हुआ है तो 6 यूनिट के 6 से 6.5 यूनिट के आसपास में आपका 1 किलोवाट का जनरेशन होता है। तो जनरेशन आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जितने किलोवाट आप पैनल लगा रहे हैं उसके हिसाब से आप यूनिट निकाल लीजिए कि इतने यूनिट का जनरेशन मेरा होगा। आप कुछ लोग सोचते हैं कि सोलर हमने लगवा लिया, समझ लिए जनरेटर लग गया, हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहेंगी, हमारा सारा लोड चल जाएगा, बिल्कुल गलत है। बाद में क्या होता है, वो लोग लड़ रहे होते हैं जाके शॉपकीपर से, सर आपने तो बताया था 3 किलोवाट लगवा लो मेरा सारा चल जाएगा, मेरा तो रात में 11 बजे ही खत्म हो गया, 10 बजे ही खत्म हो गया, या शाम को 5 बजे ही मेरा तो इन्वर्टर सीटी मारने लगता है। वो इसलिए मारने लगता है क्योंकि आपको सही नॉलेज नहीं दी गई। पैनल का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी प्रोडक्शन में आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है, जो बचा हुआ प्रोडक्शन है वो उसमें आपको आपके घर में जो भी आपको अप्लायंसेस आपने लगाए हुए हैं उनमें आपको यूज करना है। तो बेसिकली चूंकि हमारे पास सोलर लिमिटेड सोर्स होता है इसलिए हम लोगों को अपना सोलर की जो हमारा मैक्सिमम उसका जनरेशन है उस जनरेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को खर्च करना है, अपना प्लान करना है। जैसे हम लोग घर में प्लान करते हैं, घर में 50,000 रुपये हमारे में है तो हमें पता होता है कि 50,000 रुपये में हमें 20,000 रुपये का फर्नीचर लाना है, 10,000 रुपये का हमें राशन वाले को देना है, 20,000 रुपये हमें यहाँ खर्च करने। सेम पैनल है, पैनल कोई जादू नहीं है, कुछ भी हो जाए जनरेटर नहीं है, आप उसको जनरेटर के इक्विवेलेंट मत लीजिए, उसका एक लिमिटेड सोर्स है जो आपको सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक मिल जाना है। अब चूंकि सोर्स ही पैनल है तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क बाइफेशियल टेक्नोलॉजी। तो उसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप मेरे किसी भी वीडियो को आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगा मोनोपर्क बाइफेशियल टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों डिफरेंट है पॉली पैनल से या ट्रेडिशनली मोनो पैनल से, क्या क्या आपको एडवांटेज मिलेंगे। कुछ चीज़ें समझ ना आए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मोनोपर्क बायफेशियल आप लिख के डालिए, गूगल आपको पूरा बता देगा कि पैनल क्या है। तो मैं आपको ये तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप आज के टाइम में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे स्विच न करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे स्विच करें ताकि आपको कम जगह में ज़्यादा जनरेशन मिले और वो रिलायबल भी ज़्यादा होते हैं, एफिशिएंट भी ज़्यादा होते हैं। ये बैटरी की, बैटरी सर कौन सी लगवाएं, C10 लगवाएं, C20 लगवाएं, तो उसके ऊपर प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि C10 बैटरी और C20 बैटरी में क्या फ़र्क होता है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। चूंकि हमारे पास में सोलर एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है, धूप एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें अवेलेबल होती है, तो हमें ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट है जो कम टाइम में ज़्यादा स्टोरेज कर ले, तो वो बैटरी C10 है। तो आप अगर आपको नई बैटरी परचेज करनी है तो आप C10 बैटरी परचेज करें, एग्जिस्टिंग आपके पास में अगर C20 बैटरी पहले से लगी हुई है तो आप उसी बैटरी को लगाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है बैटरी बदलने की। जब आपकी बैटरी खराब हो जाए तो आप नए सिरे से जब बैटरी बदलना चाहें तब आप बैटरी बदलें, फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपकी बैटरी वो खराब कि नई बैटरी आपकी लेके आए, 1.25 साल पहले माना आपकी बैटरी कोई आई हुई है और आपको सोलर लगवाना है तो आपको बैटरी रिप्लेस करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, आप C20 बैटरी रखें। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी केवल स्टोरेज के टाइम पर फर्क पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब आप लोग खुद से ये कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपका जो आपको आपका लोड चलाना है आपके घर में वो लोड आपका किन किन चीज़ों से चलेगा और उसके लिए आपका कितना कितना सिस्टम लगेगा। अब इसी को मैं एक पैक में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये पैक क्या है कि इस पैक में अगर आप 5 kVA का आप सोलर PCU ले रहे हैं, आपको 10 पैनल बाइफेशियल के 390 वाट के मिल जाएंगे। अब वही बात आ जाती है कि 390 वाट के 10 पैनल अब आप इसमें वाट में कैलकुलेट करेंगे कि सर आपने 4 किलोवाट पैनल दे दिया इस पे। आप 4 किलोवाट का प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन है 24 यूनिट का। अगर आप 4 किलोवाट पॉली पैनल लगाएंगे तो उसका प्रोडक्शन है 16 यूनिट का। तो सर बेसिकली पैनल हम लगाते इसलिए हैं ताकि हमें यूनिट का जनरेशन मिले, ना कि इसलिए लगाते हैं कि हमारी छत पे देखने वाले बोलेंगे इतने सारे पैनल हमने लगा रखे हैं, वो नहीं दिखाना है हमें। हमें बेसिकली पैनल इसलिए लगाते हैं ताकि जनरेशन हमें ज़्यादा मिले। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि कम जगह में आप 10 पैनल आप उस पे लगा लीजिए, आप 4 बैटरी इसमें C10 की जिनकी वारंटी 3 साल कंप्लीटली फ्री वारंटी है, अगर ख़राब हो जाती हैं उसके बाद में आपका लाइफ टाइम कभी भी बैटरी आप बदल लीजिए, 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आपकी वो बैटरी चेंज हो जाएंगी कभी भी 3 साल के बाद तक। तो ये और इसके साथ में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसके साथ पैक में नहीं है, जो वायर्स हैं कनेक्टर्स हैं वो इस पैक में हैं। तो ये पूरा एक पैक बन जाता है 5 kVA का PCU 48 वोल्ट का, आपका 10 पैनल बायफेशियल के, आपका कनेक्टर्स और 4 बैटरी सोलर C10 की। और इस पैक का जो प्राइस है वो ये नेक्सस कंपनी का पैक है और इसका जो प्राइस है वो है 2,37,000 रुपये।
237,000 रुपये में आपको एक पैक मिल जाएगा। जीएसटी इसके अंदर एक्स्ट्रा रहेगी क्योंकि सरकार की है, और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी इसके अंदर एक्स्ट्रा रहेंगे। इस सिस्टम के अंदर हमने आपका स्ट्रक्चर को काउंट नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है स्ट्रक्चर को काउंट क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है भेजने में, एक नट बोल्ट भी कम रह जाता है साइड पर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोकल से अपना स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, नहीं बन पा रहा है तो हमारे इंजीनियर से आप बात करा दीजिए फैब्रिकेटर की, वो आपकी पूरी स्ट्रक्चर में हेल्प कर देंगे। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर हम लोग आपको दे भी देंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर का ट्रांसपोर्ट भी चार्ज भी ज़्यादा होता है और सारी चीज़ें। रही बात इंस्टॉलेशन की, कुछ लोग कहते हैं सर इंस्टॉलेशन हमें आपसे ही कराना है। सर इंस्टॉलेशन बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं इंस्टॉलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली जो सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन होते हैं इसमें मेन पावर आसानी से मिल जाती है, बात है दिमाग की कनेक्शन कैसे करना है। तो उसके लिए एक हमारा इंजीनियर है, आप फ़ोन पे ले लीजिए, वो बताता रहेगा, एक घंटे के अंदर आपका कोई भी एक नॉर्मल लड़का भी आपको इंस्टॉल कर देगा उसके अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हम लोग कर पाएंगे तो और उसके अलावा आप एक सवाल आपका ये भी होता है कि सर ये हम कहाँ से खरीदें, हमें बायोफिशियल पैनल खरीदना है कहाँ से खरीदें हम, या हमारे नियर अबाउट में इस शहर से हैं हम तो नियर अबाउट में कहाँ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है नेक्सस का, तो आप वो भी बता दीजिए। तो उसके लिए आप www.nexussolarenergy.in इस पे वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आपको डीलर्स देखने हैं तो नीचे सेगमेंट में चले जाइए, लगभग इंडिया के 13 स्टेट में नेक्सस के पास अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। अभी कुछ दिनों में ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा, तो जहां नहीं है वहां पे आप ऑनलाइन सर्विस ले लीजिए, जहां पे है वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर भी हैं उसके अंदर, पूरा एड्रेस भी है, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, आप उन लोगों वो आपको पूरी इंस्टॉलेशन भी दे देंगे, आपको सिस्टम भी दे देंगे और आपको सर्विस भी देंगे। इसके अलावा आप लोगों का सवाल ये रहेगा कि सर हम इससे चला क्या क्या सकते हैं, बैकअप कितना मिलेगा व्हाटएवर, तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको पक्का हर चीज़ समझ आ गई होगी। बैकअप कितना मिलेगा आप खुद से निकाल सकते हैं कि आपका जनरेशन जो भी आप पैनल लगा रहे हैं उसका जनरेशन कितना हो रहा है, कितना आपकी बैटरी को रिक्वायर्ड है, कितना आप दिन में खर्च कर रहे हैं, जितना बाकी बचेगा वो आपको बैकअप मिलेगा। स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि आपको बैकअप कितना मिलेगा। क्यों? क्योंकि नहीं पता होता है किसी को भी कि दिन में आप क्या लोड चलाएंगे उससे, या कल का मौसम आज का ऐसा रहा है तो कल का मौसम कैसा रहेगा। जो मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 यूनिट का जनरेशन है, 5 यूनिट का जनरेशन है, ये भी मैं साल के 320 दिन का आपको एवरेज बताता हूँ, ना कि 365 दिन का। क्योंकि सोलर 45 दिन ऐसे हो सकते हैं साल में, होते हैं हर साल, जो प्रकृति के हाथ में होते हैं हम लोग उसके साथ में कुछ नहीं कर सकते। तो साल में 320 दिन जो एवरेज आता है वो 4 यूनिट का पोली के साथ आता है, 5 यूनिट का मोनोपर्क के साथ आता है, 6, 6.5 यूनिट मोनोपर्क बायोफिशियल के साथ आता है। 45 दिन को आपको अवॉइड रखना पड़ेगा। 45 दिन में आपका जनरेशन 50% हो रहा है, 30 हो रहा है, 60 हो रहा है, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, वो सर्वशक्तिमान है, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। अब इसमें एक दूसरा आपका ये भी हो सकता है सवाल कि जो हमारा लोड तो सर 2000 या 2200 वाट के अप्रोक्सी रह जाता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप 3 kVA आप PCU पे स्विच कर सकते हैं। अब जो 5 kVA और 3 kVA का जो पैक है, अब उस पैक में क्या है कि 3 kVA में आपको जो हम पैनल देंगे वो फिर 8 पैनल देंगे बायफेशियल के 390 वाट के, और 3 kVA का PCU देंगे, तो अब उसकी जो प्राइस की कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,57,000 रुपये, GST एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो अलग से रहेंगे। तो आप ये वाला पैक भी आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर मेरे को सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए उतना लोड चलाना है 2200 वाट का, बाकी मेरा रेगुलर लोड रह जाना है वही 1000-1200 वाट, तो अब वो दो बैटरी वाला जो हमारा एक कॉपर मॉडल आया है 3175 का, एक कॉपर मॉडल आता है, तो उसकी पावर कैपेसिटी लगभग 2200 से 2400 वाट के अप्रोक्स आ जाती है, तो अब वो वाला भी आप ले सकते हैं, वो आपको लगभग 1,05,000 या 7,000 रुपये के आसपास में आपको पैक पड़ जाएगा, दो बैटरी के साथ में, 4 पैनल के साथ में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली तीनों पैक हैं। और अगर आपको एक सवाल आपका ये भी रहता है कि चौधरी साहब अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर दिए होते हैं, खुद मेरा नंबर भी दिया होता है। अगर आपको लग रहा है मुझसे ही बात करनी है तो आप मेरे किसी भी एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे तो मुझसे आपकी बात करा देंगे। चूँकि थोड़ा आप समझ रहे हैं कि व्यस्तता ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हर कॉल को मैं खुद ले पाऊँ वो पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एग्जीक्यूटिव को जिससे बोलेंगे मेरी आपसे बात हो जाएंगी, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो कुछ चाहता हूँ कि आपके मैं हर आपके सवाल का आंसर दूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो कृपया एक लाइक तो बनता है,
एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।